तो हेलो फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है तो स्नैक्स तो बनेंगे ही बनेंगे। तो आज हम कुछ खस्ता और एकदम अच्छा सा बना रहे हैं। इसके लिए मैंने आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर ली हूँ, इसमें 4 इलायची ली हूँ और इसका हम एक फाइन पाउडर बना लेंगे। और इसे मैंने पीस ली हूँ, एक बर्तन लिया है मैंने। अब हम इसमें ये पीसी हुई शक्कर डाल देंगे और इसी के साथ ही हम इसमें 2 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, ये बिस्किट इतने खस्ता बनते हैं ना। और इसी के साथ ही हम आधा कप सूजी ले रहे हैं, 1 पिंच नमक डाली हूँ मैंने। अब इन सारी चीज़ों को हमें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे मैंने मिक्स कर ली हूँ। आप जब ये बनाएंगे ना तभी इनका टेस्ट पता चलेगा। और अब इसमें मोयन के लिए मैं घी डाल रही हूँ, तो इसमें टोटल में 5 चम्मच घी डाल रही हूँ छोटी चम्मच से। आप चाहें तो ऑयल का उपयोग भी कर सकते हैं। और ये घी मैंने इसमें डाल दी हूँ 5 टेबल स्पून। अब इस घी को मैं इसमें अच्छे से रब करके मिक्स करना है। और घी अगर कम लगे या ऑयल तो आप इसे दोबारा थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। बस इस तरीके से होल्ड करके देखिए, ये मुट्ठी हमारी बंद जानी चाहिए। इट मीन्स हमारा मोयन परफेक्ट है। अब आधा कप दूध लिया है मैंने और दूध थोड़ा थोड़ा कर कर हम इसका एक डो लगाना है। डो इसका सॉफ्ट नहीं, हार्ड बनेगा। ये देखिए इस तरीके से ये डो मैंने लगा ली हूँ। अब इसे 5 मिनट हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और ये डो को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसे दोबारा हम हल्का सा मसल लेंगे, थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। अब इसके 2 भाग में डिवाइड कर लूँगी मैं और इसे इस तरीके से हल्का सा चिकना कर लेंगे। ऊपर से गोल बना लेंगे लोई के आकार का और इसे हम बेल लेंगे। तो इसे बेलना हमें है ना, एकदम पतला नहीं बेलना है। और राइट साइड से जो किनारी फट रही है ना, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये देखिए, ये मैंने इसे बेल ली हूँ। तो इसकी थिकनेस है ना, मोटी ही रखनी है। मैं आपको बताती हूँ कितनी मोटी। और ये बहुत ही खस्ता बनते हैं और बच्चों को तो इतने पसंद आते हैं ना। मैंने 3 बार बना चुकी हूँ और हर बार बच्चे ख़त्म कर देते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये देखिए इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। और ये मैंने एक ढक्कन लिया है, मैं इसके छोटे छोटे से बिस्किट कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके बड़े साइज भी बना सकते हैं, बट ये छोटे छोटे से ना देखने में और भी सुंदर दिखते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसे मैंने कट कर लेना है और बाकी एक्स्ट्रा डो हम बाद में यूज़ कर लेंगे। और ये इस तरीके से बिस्किट हम बनाकर तैयार कर लेंगे सारे, ये देखिए। और इन्हें हम एक प्लेट में अलग रख देंगे। और दिवाली पे आप ये बनाएंगे ना, सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। और इसी तरीके से बच्चे हुए आटे से भी हम इस तरीके से ये सारे बिस्किट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे बनाकर तैयार कर ली हूँ। इधर ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया था, तो ऑयल हमारा मीडियम से थोड़ा सा कम गर्म होना चाहिए। अब इसमें हम एक एक करके ये हमारे बिस्किट्स को डाल देंगे। इन्हें हमें टच अभी नहीं करना जब तक थोड़े से गुलाबी से ना हो जाए, कुछ इस तरीके से। जब ये इस तरीके से हो जाएंगे ना तभी हमें इन्हें फ्लिप करना है। और हाँ, जब हम ये बिस्किट इसमें फ्राई करेंगे ना तो गैस का फ्लेम मीडियम से लो कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा हाई नहीं करना है। और इन्हें मीडियम या लो फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है। और इस तरीके से जो जो कुक हो जाएंगे एकदम गोल्डन ब्राउन, उन सारे बिस्किट्स को हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए जो जो होते जा रहे हैं और जो हल्के से रह जाते हैं उन्हें दोबारा से कर लेंगे। और इसी तरीके से हम बाकी बचे बिस्किट भी फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए कितने प्यारे और कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे से, देखने में भी और खाने में भी। और उन्हें तोड़ कर दिखाती हूँ कितने खस्ता बने। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।